आईटीबीपी की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपको यहाँ पर कांस्टेबल की वैकेंसी दी गई है। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको जहाँ पर अपना आवेदन फिल करना होगा ऑनलाइन मोड से, आपको यहाँ पर केवल इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड किया गया है। आईटीबीपी रिक्रूटमेंट 2022 वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो आईटीबीपी की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपने मेट्रिकुलेशन पास किया हुआ है, तो भी आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर पाएंगे। आपके जहाँ पर एज लिमिट रहेगा 18 ईयर से लेकर 30 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट के लिए एज लिमिट कुछ कम होगा। कौन कौन से कैंडिडेट होंगे उनकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में आगे दी जाएगी। कितनी यहाँ पर आपकी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आपको जो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है 108 वैकेंसी दी गई। टोटल जो पोस्ट नेम होगा कांस्टेबल की, आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी रहेगी उसकी जानकारी आपको यहाँ मेंशन की गई है। जैसे कि UREWS SC ST के सामने आपको यहाँ पर चेक कर लेना है, सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो भारतीय किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं, यानी भारतीय किसी भी कोने से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जॉब करेंगे ऑल ओवर इन इंडिया, यानी पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती की फिजिकल डिटेल के बारे में बात करें, यानी कि जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इन जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। जो आपके यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए 80+5 सेंटीमीटर का फुला होना अनिवार्य है, केवल मेल कैंडिडेट के लिए। जो आपके यहाँ पर दौड़ होगी मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर के लिए आपको यहाँ पर 24 मिनट का समय दिया जाएगा, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। अगर आप इस भर्ती की हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पर क्लिक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी प्रोवाइड की गई है। ऑनलाइन मोड से आवेदन करने के लिए आपके पास इन डॉक्यूमेंट की जानकारी होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल कार्ड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड अगर आपके पास है, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर किसी कारण से आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप इन्हें कोई और आईडी भी दे सकते हैं, उससे भी इस भर्ती का आवेदन फिल कर पाएंगे। और अब आपके पास जो फोटो है, उसका बैकग्राउंड भी लाइट कलर का होना अनिवार्य है। अगर हम इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले आपको फिजिकल टेस्ट होगा, यानी कि आपके यहाँ पर दौड़ होगी और हाइट नापी जाएगी, रिटर्न एग्जाम होगा यानी कि लिखित परीक्षा होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं आईटीआई डिप्लोमा कुछ भी किया हुआ है, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जॉब करेगा ऑल ओवर इंडिया, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 3500 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल, यानी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, UR जनरल OBC के लिए 100 रुपये रहेगा, और SC ST फीमेल के लिए कोई फीस नहीं होगा। और जो आपको फीस पे करनी होगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग द्वारा ही आप यहाँ पर इसको पे भी कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, जो इस भर्ती का एज लिमिट रहेगा 18 ईयर से लेकर 23 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है, तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए 18 से 26 और SST कैंडिडेट के लिए 18 से 28 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। जो एज काउंट की जाएगी 17 सितंबर तक की जाएगी, यानी कि 17 सितंबर को आपकी एज नहीं तो 18 से कम हो, न 23 से ज्यादा हो, यानी कि आपको जहाँ पर एज में छूट दी जाएगी, SST वालों को 5 ईयर की दी जाएगी, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 छूट भी आपको दी जाएगी। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। ट्रेंडिंग टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब की जानकारी आपको यहां पर दी गई है, आप यहां पर वो भी जानकारी ले पाएंगे। मैं आपको यहां पर इस भर्ती फिजिकल डिटेल पहले ही बता चुका हूं, दी जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी आप यहां पर सभी जानकारी ले पाएंगे। इस भर्ती का आवेदन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको यहां पर 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। जैसे भी हम क्लिक करेंगे, तो आपको यहां पर
न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे भी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन भी सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपको बेटर लगे वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसी के बाद से आपको यहाँ पर एक आंसर देना है। आंसरों को आपको यहाँ पर याद भी फील रखना होगा, क्योंकि अगर आपसे आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं आप, तो जब आप फॉरगेट करेंगे तो आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन भी मांगा जाएगा। कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा, तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा। जैसे भी आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का शॉर्ट नोटिस आपके सामने आ जाएगा, जो कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपके सामने शो होगा। कांस्टेबल की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, 69,100 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल लेगा, उसकी जानकारी भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन करना हो, कौन सी वैकेंसी के लिए कितनी वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस भर्ती की इंपोर्टेंट डेट की जानकारी भी आपको इसी वेबसाइट पर मेंशन की गई है, आप नोटिफिकेशन में भी सभी जानकारी ले पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, आपको यहाँ पर सभी अपडेटेड लिंक यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।